आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। वो परिवार कर्ज कर रहा है, क्या हम हमारे देश में दुनिया की यूनिवर्सिटीज को ला करके हमारे बच्चों को हमारे यहां एनवायरमेंट में और कम खर्चे में पढ़ाई के लिए उनके लिए चिंता कर सकते हैं? यानी प्री प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक पूरा हमारा जो खाका है वो 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने? हमारे बजट में जो कुछ भी बना है ठीक है, इसके बावजूद भी किसी को लगेगा नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता, अगले साल सोचेंगे इसके लिए, अगले बजट में सोचेंगे। अभी तो जो हमारे पास उपलब्ध बजट है उस बजट को हम धरती पर कैसे उतारें, अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे उतारें, ऑप्टिमम आउटकम कैसे मिले, आउटपुट नहीं, ऑप्टिमम आउटकम कैसे मिले। अब जैसे अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब काम देखने वाले लोग अलग है लेकिन संबंध तो उसका किसी न किसी एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इनोवेशन की बात करनी है तो अटल टिंकरिंग लैब को हम कैसे आधुनिक बनाएंगे? यानी सारे विषय ऐसे हैं कि बजट के परिप्रेक्ष्य में और नेशनल एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में ये पहला बजट ऐसा है जो हम तुरंत लागू करके आजादी के इस अमृत महोत्सव में अमृत काल की नींव रखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें लाना जरूरी है आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। आप जानते हैं जब बजट प्रस्तुत होता है उसके बाद एक ब्रेक पीरियड होता है और सभी सांसद मिलकर के छोटे 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 ग्रुपों में बजट की बारीकी से चर्चा करते हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा होती है, अच्छी चीजें उसमें जो उभर करके आती है। लेकिन हमने उसको एक दायरा और बढ़ाया, सांसद तो इन दिनों ही कर रहे हैं लेकिन अब हम सीधे डिपार्टमेंट के लोग स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं। यानी हमने एक प्रकार से सबका प्रयास, ये जो मैं कह रहा हूं ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस बजट में भी सबका प्रयास ये बहुत आवश्यक है। बजट ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है जी, बजट अगर हम सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे सीमित संसाधनों से भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और ये तब संभव होता है कि बजट से क्या करना है ये क्लैरिटी अगर सबके मन में आ जाए। आज की चर्चा से एजुकेशन मिनिस्ट्री स्किल मिनिस्ट्री उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि आपकी बातों से पक्का होगा कि ये बजट बहुत अच्छा है टिकना है लेकिन इसमें ये करेंगे तो मुश्किल होगा, ये करेंगे तो ठीक होगा। बहुत प्रैक्टिकल बातें उभर करके आएगी, खुल करके आप अपने विचार रखिए। मूल बात है तत्वज्ञान की चर्चा नहीं है, व्यवहार जीवन में इसको धरती पर कैसे उतारना, अच्छे ढंग से कैसे उतारना, सरलता से कैसे उतारना, सरकार और सामाजिक व्यवस्था इसके बीच में कोई दूरी ना हो, मिलकर के काम कैसे हो, इसलिए ये चर्चा है। मैं आप सबका फिर से एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। पूरे दिन भर जो आपकी चर्चाएं चलेगी उसमें से बहुत ही अच्छे बिंदु निकलेंगे जिसके कारण डिपार्टमेंट तेज गति से निर्णय कर पाएगा और हम ऑप्टिमम हमारे संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अच्छा आउटकम के साथ अगले बजट की तैयारी करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, शिक्षा क्षेत्र में बजट के प्रभाव पर वेबिनार वो दे रहे थे। साथ ही उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के बारे में भी अपने विचार रखे और साथ ही कहा कि कोरोना आने से पहले ही मेरा फोकस सबसे ज्यादा इसी बात पर रहा किस तरीके से डिजिटली एजुकेशन को मोटिवेट किया जाए, प्रमोट किया जाए।